देखिए इंग्लिश में एक शब्द है आपका डॉजिंग, DODGING, डॉजिंग। तो स्टूडियो में डॉजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जांपल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मतलब होता है डॉजिंग का। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि मूल रूप से ये डॉजिंग जो है डॉज से बना है, DODGE, डॉज। और डॉजिंग जो है ING फॉर्म है, पार्टिसिपल फॉर्म है या जीरंड फॉर्म है। ING फॉर्म जब हम रहा है, रहे हैं, रही का मतलब लेते हैं, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव बनाते हैं, जीरण मतलब जब नाउन बनाते हैं। तो अगर जीरण की तरह बात करेंगे, नाउन बनाएंगे, तो डॉजिंग का क्या मतलब होगा? डॉजिंग का मतलब होगा चकमा देना, बच निकलना, कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। और अगर हम पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, तो बोलेंगे चकमा देते हुए या बचकर निकलते हुए, चकमा देने वाला, चकमा दे करके, चकमा दे रहा है, रहा है, रहे हैं, रही है, किसमें प्रयोग होता है? कंटिन्यूअस में। इंग्लिश में सिनोनिम्स आते हैं डॉजिंग का, या मतलब होता है डॉजिंग का, द एक्ट ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम समवन और समथिंग। तो क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ एस्केपिंग, चीटिंग, अवॉइडिंग, साइड स्टेपिंग, ऑब्स्टेनिंग एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं डॉजिंग के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे, आर यू डॉजिंग मी इन दिस वे, क्या तुम मुझे इस तरह से चकमा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, छल कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल, आई क्रॉस द हाईवे डॉजिंग द ट्रैफिक, मतलब मैंने ट्रैफिक से बचते हुए हाईवे पार किया। तो डॉजिंग का मतलब बचते हुए, यही पर यहां पर यह पार्टिसिपल बना है, मतलब एडजेक्टिव है, बचते हुए, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तो ING का प्रयोग होगा किसी भी शब्द में, वर्ब में। ठीक है, तो मैंने आपने डॉजिंग शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।